सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोग का म्यूजिक इंस्ट्रक्टर सर्विक मिली और ये है हम लोग का लास्ट बेसिक म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स का आखिरी चैप्टर। तो देखिए, हम लोगों ने जैसे लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 9 तक जितने भी टर्म सीखे हैं, जैसे कंप्रेसर हो गया, EQ हो गया, डीजिंग का हो गया, रिवर्ब, डिले, जितना भी हम लोग सीखे हैं, तो हम लोग इसको यूटिलाइज़ करके एक हम लोग म्यूज़िक बनाएंगे। तो मैंने आप लोग को सिर्फ टर्म समझा दिया था कि ये एक चीज़ कैसा काम करता है, पर मैंने ये नहीं सिखाया था कि इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करके एक म्यूज़िक बनाएं। तो आज मैं वही करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो इत्मीनान से इसको अच्छी तरह देखिए, तो आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप सो। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले आप लोगों को म्यूज़िक प्रोड्यूस करने से पहले आप लोगों को ये चार चीज़ें होना ही होना है। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं तो हम देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहली चीज़, आपको डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन होना ही है जहाँ पे आप लोग अपना म्यूज़िक बनाएंगे। तो ये मैंने दिखा के रखा है, मैंने FL स्टूडियो में यूज़ करता हूँ, तो FL स्टूडियो प्रोड्यूसर एडिशन है यहाँ पे। तो ये वाला आप खरीद सकते हैं, 13,000 टू 15,000 तक हो सकता है, या उससे भी आप है, पर ये वाला 13,000 या 15,000 में आप लोग ले सकते हैं। तो ये वाला चाहिए होगा, और इसका पेड वर्जन ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में प्रोजेक्ट सेव नहीं कर पाएंगे, नहीं तो बाद में लीगल इशू भी हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को लेना है एक साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड क्या है, ऑडियो इंटरफेस क्या है? तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को लेटेंसी का इशू आने वाला है इन फ्यूचर, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो साउंड कार्ड क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए गेमिंग के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड कहता है जो विजुअलाइज होता है उसको बहुत क्लियर करके हम लोगों को दिखाता है। तो साउंड, ये ऑडियो इंटरफेस मतलब साउंड कार्ड है ये। तो ये साउंड कार्ड क्या करेगा, साउंड को और अच्छी तरह इसको प्योरीफिकेशन करके आप लोगों को सुनाएगा। तो ये साउंड कार्ड का काम है। और जो आप लोगों को लेटेंसी इशू आएगा, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग अगर USB माइक को कनेक्ट करके अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट का जो एक डिस्टेंस होता है, तो 1-2 सेकेंड लेट से आप लोग को सुनाई देगा, तो आप लोगों को गाने में और रिकॉर्डिंग करने में डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए एक साउंड कार्ड तो आप लोग को चाहिए होगा। तो उसके बाद आप लोगों को चाहिए है एक माइक। तो कंडेंसर माइक, इसको कंडेंसर माइक बोलते हैं, और एक होता है डायनेमिक माइक जो आप लोग स्टेज में देखते हैं। तो ये स्टूडियो माइक है, तो इसको भी ले सकते हैं आप, अपने प्राइस आप जितने भी एंटेक जा सकते हैं, 15,000 से लेके 50,000, 1,00,000, 2,00,000, जितना आप लोग का जितना मतलब पैसा है आप लोग लगा सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों को एक माइक चाहिए होगा। तो उसके बाद फोर्थ चीज़ है, आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए एक अच्छा हेडफोन। और नॉर्मल हेडफोन का बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये मोनिटर हेडफोन है, ये सब फ्लैट होता है, सो ये स्टूडियो में यूज़ करते हैं। तो ये इस वाला हेडफोन को आप लोगों को खरीदना ही खरीदना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही ब्रांड ले लीजिए, आप कोई भी एक मोनिटर हेडफोन आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोगों को फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को चार चीज़ें चाहिए होगा। एक है सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप लोग अपना म्यूज़िक बनाएंगे, और एक है साउंड कार्ड जहाँ पे अपना ऑडियो अच्छी तरह रिकॉर्डिंग करने के लिए, हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा ऑडियो इंटरफेस, और लेटेंसी इशू को घटाने के लिए। और एक थर्ड चीज़ है, आप लोगों को चाहिए होगा एक अच्छा माइक, वॉइस अच्छी तरह रिकॉर्ड करना है हम लोगों को, तो अच्छा माइक लेना ही है। तो उसके बाद हो गया, आपको मोनिटर हेडफोन लेना है, सो दैट्स ऑल। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, जैसे हम लोग लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक जितने भी टर्म सीखे हैं, तो इसको हम लोग यूटिलाइज़ करके हम लोग अभी एक म्यूज़िक बनाने वाले हैं। तो पहले हम लोग, मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था कि पहला चीज़ है गाना बनाने से पहले हम लोगों को टेम्पो फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे एक टेम्पो टेपर आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पो टेपर। तो हम लोग इसको राइट क्लिक करके भी हम लोग अपना टेम्पो फाइंड करेंगे। तो मैं एम्प्टीनेस वाला गाना आप लोगों को ऐसे ही गा के आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो हम लोग इसको मेलोडी पहले निकाल लेता हूँ, जैसे कि मैं टिंग 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 टिंग। मुझे 80 में ये परफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे 80 मैंने जैसे कि क्लिक करके कट के ये 80 टेम्पो सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3.2 वाला ऑप्शन आ रहा है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद इस वाले को अनडू करेंगे, इसको क्लिक नहीं करेंगे, सही चीज़ है। तो अभी हम लोग अपना म्यूज़िक बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले चैनल को ओपन कर लेता है,
उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ चैनल ब्रेक, उसके बाद एक VST को कॉल कर लेता हूँ मैं, FL की को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये पियानो है। तो मैं आज अपने MIDI कंट्रोलर से कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने माउस से ही म्यूज़िक बनाने वाला हूँ। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पियानो रोल लिखा हुआ है तो इसको क्लिक करेंगे। अभी मैंने जैसे एम्प्टीनेस सॉन्ग बनाने के लिए अभी मुझे मेलोडी पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेम्पो ये ऑन है तो हम लोग स्पेस प्रेस करेंगे तो एक क्लिक आएगा, ये सुनिए। तो हम लोग को अभी इस टेम्पो के अंदर बीट बनाना है। तो टिंग 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 टिंग, तो पहला नोट क्या है हम लोग के, मैं डी स्केल डी ले रहा हूँ। तो इसको आप लोग अपने माउस क्लिक के साथ ये मेलोडी बना लीजिएगा, मैं माउस से बना रहा हूँ। उसके बाद ये नोट है तो ये नोट लगाता हूँ मैं। तो सुनते हैं पहले से। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसको हम लोग स्पेस प्रेस करके यहाँ से ऐसे कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नोट क्या है, नेक्स्ट नोट ये है। ये जो यहाँ पे लाइन है दिखा हुआ है तो उस लाइन से आप लोग मैचिंग करके ये मेलोडी बना सकते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको हम लोग सिलेक्ट किया है, उसके बाद स्पेस पकड़ के मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया है। उसका नेक्स्ट मेलोडी क्या है, को फिर से कंट्रोल प्रेस करके स्पेस दबा के मैंने इसको आगे लेके आ गया। तो ऐसे भी मेरा शॉर्ट FL स्टूडियो का शॉर्टकट मैं आप लोग को बाद में आप लोग को सिखाऊंगा, पर अभी ये मैं ये प्रोसेसिंग आप लोग को सिखा रहा हूँ कैसे बना रहा हूँ। तो इसको मैं पहले मिला लेता हूँ। हो गया। अभी पहले से सुनते हैं हम लोग अपने माउस के क्लिक से हम लोग क्या बनाए हैं, तो सुनते हैं। सही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना एक रिदम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे किक है, क्लैप है, हाई हेट से स्नेयर है, आप लोग अपने टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला वाला लेक्चर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मैंने वहाँ पे अच्छी तरह समझा दिया है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक बीट निकालने वाला हूँ, तो ये बहुत सिंपल बीट होगा, तो सुनते हैं।
तो हम लोग बनाएंगे टिंग टिंग, तो यहाँ पे एक क्लैप होगा, तो एक क्लैप यहाँ से ले लेता हूँ मैं। तो हम लोग इसको हम लोग गा गा के हम लोग इस मतलब इसका रिदम बनाएंगे। तो अभी हो गया, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो हम लोग कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट पकड़ के इसको हम लोग ड्रैग करेंगे, कॉपी करेंगे बार टू बार। तो अभी क्या बनाए तो सुनते हैं। अभी तक सही साउंड कर रहा है, तो थोड़ा आप लोग इंस्ट्रूमेंट इस वाले रो से कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं एक एक दे रहा हूँ। तो ये हो गया, थोड़ा मैंने परकशन यूज़ कर किया हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा एक हाँ मुझे मतलब एक कोड लाइन चाहिए होगा, तो मैं एक कोड लाइन के लिए और एक एफएल कीस लिया हूँ। तो यहाँ पे एक कोड लाइन बनाएंगे हम लोग, जैसे कि अगर कुछ आप लोग को समझ में नहीं आने से आप लोग मुझे कमेंट कर देना। तो हो गया हम लोग का मेलोडी, तो अभी हम लोग टेम्पो के साथ रिकॉर्डिंग करने वाला है। तो ये हो गया पैटर्न वन में हम लोग अपना म्यूज़िक बनाए हैं। तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा है स्प्लिट बाय द चैनल्स, को हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सब सेपरेट हो चुका है। तो आप लोग अभी हम मैं इसको एक डिज़ाइन करूँगा, तो देखिए हम लोग कैसे डिज़ाइन करें। मैंने पहले मुझे पहला चीज़ चाहिए होगा, मुझे मेलोडी चाहिए होगा, उसके बाद बेस लाइन क्लिक कर चुका हूँ, उसके बाद ये सब कुछ। उसके बाद हम लोग कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये कॉपी पेस्ट होते चला जाएगा, सही चीज़ है। तो अभी हम लोग ऐसे गुनगुनाएंगे, उसके बाद इसको रिकॉर्डिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सही चीज बनाए अभी, तो अभी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं गाऊंगा, थोड़ा ही गाऊंगा। तो मिक्सर चैनल ओपन कर चुका हूँ मैं, तो 10 में या 10 वाला इंसर्ट में हम लोग अपना वोकल रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद हम लोग अपने कीबोर्ड में आर प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाला है।
उसके बाद ये टेम्पो ऑन करेंगे, ये इस वाले को ऑन करके रखना, उसके बाद ये 3.2 और इसको ऑफ करके रखना। 3.2 मतलब रिकॉर्डिंग से पहले आप लोग को एक काउंटडाउन देगा ये 3.2, और इसको अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो वो टेम्पो चलते जाएगा टिक टिक करके। तो लेट्स स्टार्ट, अभी हम लोग अपना वोकल रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। सही है, इतना अच्छी तरह भी मैंने नहीं गाया है तो जस्ट मत कर लेना मैं ऐसे ही ये गाया हूँ। तो अभी क्या करेंगे, मैं इसके आगे का पार्ट थोड़ा हम लोग काट लेंगे। तो देखिए टेम्पो से ये रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ हम लोग, इसको टेम्पो ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपके पास ऑडियो इंटरफेस है तो लेटेंसी का इश्यू नहीं आएगा। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ से सुनेंगे तो ये थोड़ा सा लेटेंसी यहाँ पे इश्यू होगा, तो सुनिए। तो देख रहे हैं ये गाना थोड़ा लेट करके आ रहा है क्योंकि वो लेटेंसी इशू है। तो आप लोग जब ऑडियो इंटरफेस ले लेंगे तो ये लेटेंसी इशू घट जाएगा। तो इसको हम लोग अपने मैनुअल से मतलब अपने हाथों से ही थोड़ा यहाँ से खींचेंगे। तो सुनते हैं। Your heart in divine, like the truth's in a lie. It's still left not here. सही है, तो थोड़ा मैंने हाथों से ही इसको यहाँ से ड्रैग किया है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हमें सिखाने वाला हूँ मैं वोकल मिक्सिंग करने वाला हूँ। तो इसको एक किसी एक चैनल में राउट कर दूँगा, तो कंट्रोल प्लस एल, तो ये चला गया 5 नंबर चैनल में। सही चीज़ है, इसको ऑफ कर लेता हूँ। तो अभी इसमें हम लोग मिक्सिंग करने वाले, जैसे मैं लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक जितना भी मिक्सिंग का एक ट्रिक सिखाया है तो इसको हम लोग स्टॉक प्लगइन के हेल्प से ही हम लोग इसको मिक्सिंग करेंगे। तो ये माइनर मिक्सिंग है, इतना हैवी मिक्सिंग नहीं है। तो आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि इस यहाँ पे कैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे थोड़ा मिक्सिंग करके अपना गान को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है स्लॉट 1। स्लॉट 1 में मुझे पहले चाहिए एक फिल्टर, तो पेमेंट क्यू है इसको थोड़ा बड़ा कर लेना। उसके बाद मैंने पहले भी बोला था यहाँ पे जो लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थोड़ा मत होता है, इसको हम लोग पहले एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद और एक ईक्यू लेंगे क्योंकि हमको बुरी फ्रीक्वेंसी यहाँ से घटाना है। इसको स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद जो हिसल मतलब क्या बोलते हैं इसको, हुइसल वाला साउंड है, हिस वाला साउंड है, उसको हम लोग अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में अगर हम लोग सुन पा रहे हैं तो इसको हम लोग थोड़ा कंप्रेस कर देंगे। तो अगर आप लोग मेरा मतलब ईक्यू के बारे में नहीं पढ़े हैं लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में है तो उसको पहले जाके आप लोग पढ़ लीजिए, मतलब देख लीजिए वीडियो को, सॉरी। तो अभी हम लोग सुनेंगे। यहाँ पे हुसल वाला साउंड आ रहा है तो इसको हम लोग डाउन कर देंगे। यहाँ पे फिर से हुसल वाला साउंड आ रहा है तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से करना पड़ेगा आप लोगों को। All up of mine, the song and the vine, your heart and divine, like the truth and the light. फिर से यहाँ पे हुसल वाला साउंड आ रहा है तो इसको हम लोग डाउन करेंगे। All
top of mind, the song. यहाँ से थोड़ा मैं बेस निकालूंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा बेस नहीं चाहिए. All up of mine, the song and no vine. Your heart in divine, like truths and a lie. It's still a... फिर से यहाँ पे हुइसल वाला साउंड आ रहा है तो इसको भी एलिमिनेट करेंगे. तो अभी एलिमिनेट कर चुका हूँ तो इसका अच्छा फ्रिक्वेंसी हम लोगों को बूस्ट करना है. तो फिर से एक EQ ले लेंगे तो जहाँ जहाँ पे ये दब गया है तो उसको हम लोग आप करेंगे सुन के. तो हो गया EQ का पार्ट हो गया. अभी हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे देख आप लोग सुन पा रहे हैं शायद वो हिस करके आ रहा है तो उसको भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे. तो इसको हम करेंगे TDR नोवा से. तो अगर मेरा TDR नोवा का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में होगा तो आप लोग वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. तो यहाँ पे हिस वाला साउंड आ रहा है थोड़ा. All up of mine, the song and no vine. Your heart in divine, like truths and a lie. It's still at not here, I've nothing to fear. For my love is your love given and on. And the bright emptiness, the no roof of his, is a cruelness to ride. A fearless undress, the no soul. सही है. हम लोग ज़्यादा भी कंप्रेस नहीं कर देंगे नहीं तो ये डायनेमिक ख़राब हो जाएगा. तो उसके बाद मैं लेने वाला हूँ एक कंप्रेसर. तो कंप्रेसर फ्रूटी लिमिटर ले लेता हूँ. यहाँ पे COMP लिखा है इसको क्लिक करेंगे थ्रेशोल्ड सेट करेंगे. Your heart in divine, like truths and a lie. It's still at not here, I've nothing to fear. For my love is your love given and on. And the bright emptiness, the no roof of it. उसके बाद मैंने एक reverb लेंगे तो let's see. All up of mine, the song and no vine. Your heart in divine, like truths and a lie. तो उसके बाद एक डिले. अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जैसे कि TDR नोवा में क्या किया है, लिमिटर में हम लोग कंप्रेसर कैसे यूज़ किया है और जैसे कि डिले में मैं अभी क्या करने वाला हूँ, तो आप लोग को ये समझ में नहीं आने से आप लोग मेरा लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक जितने भी आप लोग सीखे हैं तो उसको आप लोग जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा. तो डिले लगाते हैं हम लोग. All up of mine, the song and no vine. Your heart in divine, like truths and a lie. It's still at not here, I've nothing to fear. For my love is your love given and on. And the bright emptiness, the no roof of his, is a cruelness to ride. Oh, a fearless undress, then the soul on us. For I have to let go, let go, that I feel too lonely, yeah. There's a many place to take. तो देखिए
जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया कि मैंने पहले वाले में भी बोला था कि मैंने इसको माइनर मिक्सिंग किया है, क्योंकि मिक्सिंग देखिए एक दिन का काम नहीं है। आप लोग को कहीं कहीं मतलब क्या होता है, एक 1 वीक लग जाता है, कभी कभी 1 मंथ लग जाता है। ये अपने कानों के ऊपर होता है, क्योंकि कभी जैसे कि आज मैंने कुछ मिक्सिंग किया है तो दूसरे दिन मुझे वो मिक्सिंग ख़राब भी लग सकता है। तो मिक्सिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है और मास्टरिंग के लिए, तो इसलिए मैंने इसको बोला है ये माइनर मिक्सिंग है। तो आज के लिए इतना ही। तो मैंने यहाँ पे एक म्यूज़िक बना के दिया है और यहाँ पे एक वोकल, तो पहले से सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो लेट्स सी। सही है। तो मैंने आप लोग को समझा दिया कि टेम्पो के साथ इसको कैसे रिकॉर्डिंग करना है, कैसे म्यूज़िक मैंने यहाँ पे बनाया है, उसके बाद यहाँ पे कैसे मैंने ड्रैग किया है। आप लोग को बेसिक से बेसिक चीज़ मतलब मैंने आप लोग को सिखा दिया है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप लोग को चाहिए कि मैं एडवांस से मतलब वोकल को मिक्सिंग करूँ, तो मुझे तो थर्ड पार्टी यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक प्लगइन से वो प्रोफेशनल रिजल्ट नहीं आता है। और आप लोगों को इक्विपमेंट ज़रूरी है अगर एक अच्छा गाना प्रोड्यूस करना है। तो आप लोग मैं मान के चल रहा, आप लोग अगर आपके पास 1200 रुपया का माइक है, 3000 का अगर आपके पास वो साउंड कार्ड है, तो ये सब चीज़ में आप लोग को हाई क्वालिटी सोचिएगा भी मत, आप लोग को हाई क्वालिटी मिलने वाला है। पैसा देने से ही मतलब अच्छा चीज़ निकलता है। देखिए स्टूडियो में क्या होता है, स्टूडियो में बहुत बहुत लाख 1.5 लाख उससे भी आप करके इक्विपमेंट है, इसलिए उन लोगों का साउंड क्वालिटी अच्छा निकलता है। तो आप लोगों को थोड़ा मतलब पैसा अपने इक्विपमेंट के ऊपर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो टैलेंट होने से भी फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग के पास इक्विपमेंट नहीं है, तो इक्विपमेंट ज़रूर आप लोग को ख़रीदना है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इक्विपमेंट के बारे में अच्छी तरह मतलब अपने बजट के ऊपर अगर वीडियो निकालना है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। सो आई होप यू विल एंजॉय दैट। पीस आउट गाइस, नमस्ते।